चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग पूरे भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया में सुन रहे हो संस्कार चैनल के माध्यम से, वो सारे लोग चाहो तो अपने जीवन की धारा बदल लो। जीवन की धारा बदलते ही राधा रानी जीवन में आ जाती हैं। और याद रखना, जिसके जीवन में है राधा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाधा, उसके बाधा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। राधा एक बार जीवन में आ जाए, किशोरी एक बार जीवन में आ जाए, घड़ी भी हमें बार बार चेतावनी दे रही है कि भैया अब तुम पुराने वाले बाबा जी नहीं रहोगे, 14-14 घंटे बोलोगे। अब देखो तुम्हारा समय संस्कार ने तय कर दिया है, तुम 3 ही घंटे बोल सकते हो। इसलिए हम आंख खोल के बोलते हैं, कहीं आंख बंद कर लें तो संस्कार वाले कब चले जाएंगे हमको पता नहीं, हमारी कथा चलती रहेगी। महाराज बड़ी गड़बड़, 12 घंटे 14 घंटे बोलने की गंदी आदत है, बुरी आदत है, आंख बंद कर दे। और मुंदा हूं आंख कता हूं कुछ ना है। और हम आंख इसलिए बंद करते हैं कि तुम लोग हमको ना खा जाओ, हमको पता है कि तुम खा नहीं सकते शेर हो, पर यह भी पता है खा सकते हो। तुम ज्यादा उठ बैठ के इधर उधर जाओगे, शुगर हो गया है, 3 बार अगर जाओगे तो जरूर डिस्टर्बेंस होगा। वो आगे वही लोग बैठे जिनके ठीक ठाक शरीर हो, जितासन जितसंग जितेंद्रिय जितश्वास, क्या कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, हां जितासन आसन जीत 25-30 बार घुटना बदल दिए, मछली के तेलवा लगौले रह ले, लेकिन आराम नहीं देत पाए। जितासन आसन जीतो जितश्वास, श्वास की भी एक रिदम है, श्वास की एक गति है। मेरे गुरुदेव कहा करते, गुरु के दिए मंत्र जो हरि नाम उन्होंने दिया है, अनुराग सहित जो करता नाम तो स्वतः ही होता प्राणायाम। कहा जो अनुराग से अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करता है उसको अलग से प्राणायाम की जरूरत भी नहीं, उसकी प्राणायाम चल रही है। अगर कोई ऐसा मंत्र गुरु ने दिया, अनुराग 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 सहित जो करता नाम, प्यार से, ऐसा नहीं कि एक ड्यूटी दे दिया है, हे भगवान ही कब खत्म होगा, अरे 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 रबड़िया हमारे बदे भी रख दिया, सब खा मत जाइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अब देखा दीना का चाट तो ही खा जी, तो हम का खा। अब बताओ दीना का चाट भी हमारा 100 देशों में चला गया, और हमको 2 दिन से दीना दीना सब दिखा रहे, बगल में कोई दीना चाट वाले हैं, भैया हमें तो कुछ पैसा दे दियो, तुम्हारो नाम हम ले लिए। तो दीना का चाट, काशी चाट, 15-20 साल पहले जब मैं वाराणसी में आया था तो एक बार काशी चाट में मैं 20 साल पहले एक अलग स्वरूप बना के एक धर्मशाले में 10 रुपए डेली देकर, पर काशी का असली आनंद लेना है तो बाबा जी बन के मत आओ, साधारण तरीके से आकर गमछा लगा के और खूब घूमते दशा समेत गोदौलिया चारों तरफ, और जहां मन करे रबड़ी खरीद के खाएं, मलइयो खाएं, अब तो सब खाना दुश्वार हो गया, जहां खरीद के कुछ खाएं। आप आर भारत पे आते थे, अरे खाने तो दे, आर भारत पे आते थे कि आज तक पे आते थे कि इस पर आते थे, खा तो लू। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आके मौत से मलइयो भी नहीं खाए तो क्या खाए, रबड़ी भी ना खाए, 2.5 पंच के जलेबी ना खाई महाराज। ये अद्भुत नगरी है भाई, कचौड़ी गली में एक ही पत्ता में, उसी में जलेबी उसी में सब्जी उसी में कचौड़ी, अलग 3 पत्ते, और दाहिनी बाई तरफ दबाया हुआ है पान, पक्का बनारसी, और लेकर कोयटा बनावट हुआ मोदी जी कोयटा। ओ महाराज मैं तो पहली बार चक्कर में पड़ गया, कोई आदमी 3 पत्ते एक हाथ में लेके इतना बैलेंस लेके, और वो भी राइट ट्रैफिक में, पान लगा हुआ है लेफ्ट में और राइट से कचौड़ी जलेबी भी अंदर जा रही है, और मजा तो तब आ गया जब चाय वो सब पी करके और फिर उसी पान को दाहिने तरफ लाकर
बारे बनारस, वाह, इसीलिए बोलते हैं वाह राजा बनारस, बोलते हैं ना। हाँ, बनारस के हर लोग राजा हैं और होना भी चाहिए। भोलेनाथ जहां पर हैं, काशी विश्वनाथ जहां पर हैं, वहां कैसी रंक कोई क्यों होगा, यहां तो सब राजा ही हैं, सब आनंद में हैं, सब मौज में हैं। भोलेनाथ की कृपा से इस नगरी में राजा ही होना चाहिए।